शायद आपके मैं हूँ ममता सिंह। वक्त हो गया है आज की कुछ खास बड़ी खबरों का, तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों पर। पयागपुर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हसुआ पारा की स्थित बद से बेहतर है, क्योंकि इस ग्राम सभा में हसुआ पारा में नालियों की दशा बहुत खराब है। इसके बगल में जो रास्ता है वो चलने के लायक भी नहीं है। प्रधान नालियों की दशा को देखकर अनजान बने हुए हैं। ग्रामवासियों के चलने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है। गंदगी से भरपूर संक्रमक रोग फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। ग्रामवासियों की बात कोई नहीं सुन रहा। विकास के नाम पर छोटा साबित हो रहा पूर्व प्रधान का कार्य। विकास के नाम पर पानी की तरह पैसा बहाया गया है, लेकिन ग्रामीणवासी सुविधाओं से वंचित हैं। गली में खड़ंजा तक नहीं, ग्रामवासी गंदी नाली में चलने के लिए मजबूर। गांव की हर गली में कीचड़ बरकरार है। इन दिनों ग्राम सभा की सड़कें कीचड़ से फट गई हैं। चारों तरफ गंदगी का आलम बना हुआ है। सफाई कर्मी गाँव में कभी कभी आते हैं, लेकिन सफाई के नाम पर इतिश्री करके चले जाते हैं। वो केवल अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए आते हैं। ये सब समस्याएं गांव वालों के लिए पूर्व प्रधान के कार्यकाल से बनी हुई हैं। कोई मानक ना रख करके नालियों का निर्माण किया गया। नालियों का रख रखाव ना तो वर्तमान में सफाई कर्मी कर रहे हैं और ना ही ग्राम सभा के सचिव। ग्राम सभा सचिव तो साल में केवल एक बार आते हैं। गाँव वालों की समस्याओं पर भी ध्यान नहीं देते हैं, जबकि बहुत दिनों पहले इसकी आधारशिला एक आदर्श ग्राम के तौर पर रखी गई थी, जिसको अब किसान न करने का कलंक लग गया है। ग्राम सभा से संबंधित अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाइव टीवी समाचार के लिए शरद कुमार की खास रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, थोड़ी देर में फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।